हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के विषय में, जिसका नाम है डायस्कोरिया। इसको जो है किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज़ करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम है, यह बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इसका पहला सिम्टम यह है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड डिस्कम्फर्ट। अगर किसी लेडी पेशेंट को पीरियड होता है और पीरियड में पूरा पेल्विक एरिया में क्रैम्प होता है, दर्द होता है, तो ऐसे पेशेंट को डायस्कोरिया 10-10 बूंद करके आधा कप पानी में उनके दर्द के अनुसार जो है 1 घंटा पर 2-2 घंटा पर ले सकते हैं। और जब ठीक हो जाएगा तो बंद कर दीजिए। दोस्तों, एक बीमारी है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि जल्दी नहीं ठीक होती है। अगर इसकी दवा नहीं मिल जाए तो ये सारी लाइफ रहती है और पेशेंट इससे परेशान रहता है। तो अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को है तो आप और जो दवाई सिलेक्शन की हैं उस दवाई के साथ में आप डायस्कोरिया 200 4-4 बूंद करके एक दिन छोड़कर एक दिन अगर ले लेंगे, आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह ऑटो इम्यून डिजीज़ की जो है बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि हमारे पेट में बहुत तेज दर्द होता है, क्रैम्प होता है। जैसे फीमेल पेशेंट को जब पीरियड होता है तो उनको क्रैम्प होता है पेल्विक रीजन में, इसी तरह इसका जो है दर्द क्रैम्प होता है पेट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दर्द जो है अंगुली तक जाता है, माने पेट में दर्द शुरू हुआ, पीछे आपके कमर में दर्द जाएगा, इसके बाद में हाथ पाँव में दर्द हो जाएगा, यहाँ तक कि अंगुली में भी दर्द हो जाएगा। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है डायस्कोरिया 30 पाउडर की 4-4 बूंद दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन लीजिए। जो पेट में क्रैम्पिंग पेन होता है स्टमक में, ये आपकी प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो है स्टमक का एक और सिम्टम है कि सिंकिंग सेंसेशन, माने लगता है कि हमारा पेट खाली हो गया है, एकदम पेट जो है अंदर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके स्टमक के सिम्टम के साथ में हिकअप रहेगा, हिचकी आती रहेगी। तो ऐसे गोल्डन सिम्टम में आप जो है डायस्कोरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 2-2-3-3 घंटा पर पानी के साथ में ले लीजिए, आपका जो है पेट की प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगी और आपको जो हिचकी आती है हिकअप, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गॉल स्टोन एक बहुत ही सर्जिकल केस है, लेकिन अगर स्टोन का साइज छोटा है, इस दवाई से जो है गॉल स्टोन निकल जाता है। लेकिन सिम्टम अगर ये है कि गॉल स्टोन का दर्द है, अब आपको जो है आराम मिलता है बेंडिंग डबल, माने पीछे की तरफ ऐसे आप रहेंगे तो आपका पेट का दर्द आराम हो जाएगा बिना किसी दवाई के। आपका दर्द पेट में हो रहा है और थोड़ा पीछे की तरफ हो गए, आपका पेट दर्द आराम हो गया, तो ऐसे केस में जो है आप डायस्कोरिया मदर टिंचर 20-20 बूंद करके पानी के साथ में 3 बार लीजिए, पेशेंट का पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर स्टोन का साइज छोटा रहेगा तो स्टोन भी निकल जाएगा। यह दवाई जो है ठीक कोलोसिंथ के विपरीत है, जैसे रस्टक्स और ब्राउनियम होता है, ठीक ऐसे ही है। कोलोसिंथ में क्या है, झुकने से जो है आराम मिलता है, लेकिन इसमें क्या है, झुकने से तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट को जो है डायस्कोरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके पानी के साथ में दिन में 3-4 बार अपने पोजिशन के अनुसार पेशेंट को दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है पेट पर ही है, पेट के नीचे इंटेस्टाइन होता है। अगर इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आँत में सूजन हो गई है, फूल गया है, जिसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस, तो ऐसे केस में भी आपको डायस्कोरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार 3-3 घंटा पर देते रहिए, इंटेस्टाइन में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम लेडीज पर है। जब लेडीज मेनोपॉज का टाइम उनका हो जाता है तो उस समय जो है उनको तकलीफ होती है, यहाँ तक कि जो है माथा से गर्मी निकलती है, तो ये जो है रिलीफ कर देती है। ऐसे पेशेंट को डायस्कोरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लेने से ये जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जो भी तकलीफ रहेगी मेनोपॉजल सिम्टम की ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि हमारे पास आज भी कई पेशेंट आते हैं कि उनको सेक्स पावर कमज़ोर हो गया है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, तो ये दवाई ऐसी है कि सेक्सुअल डिजायर पैदा करती है। मैन और वोमेन दोनों में अगर सेक्स की कमी हो जाती है तो आप डायस्कोरिया 30 पावर में 4-4 बूंद करके 3 बार लगातार 15-20 दिन 1 महीना खा लीजिए, आपका सेक्स पावर मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल पेशेंट को मेंसेज होता है हर महीना, तो मेंसेज होते होते लास्ट में क्या होता है, उनको कमजोरी आ जाती है और जो है उनकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जरा भी गिर जाएंगी उनको फ्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि हड्डी जो है वो कैल्शियम से बनती है, वो जो कैल्शियम की कमी हो जाने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऐसे पेशेंट को होम्योकल के साथ में डायस्कोरिया 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार लेने से उनका जो है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है जिस दवाई पर हम वीडियो बनाते हैं वो दवाई को कम से कम हम घर में ला कर रखते हैं, क्योंकि इसका अगला सिम्टम यह है कि यह कॉलरा की बहुत अच्छी दवाई है। हालांकि कॉलरा की दवाई जो है
कैम्फर है, भेट्रम एल्बम है, फास्फोरस है, जो भी है, तो उसमें क्या है, सिम्टम मिलना चाहिए। सिम्टम अगर मिलेगा तभी काम करेगा, और सिम्टम नहीं मिलेगा तो दवाई काम नहीं करेगी। तो इसमें क्या है कि अगर कॉलरा हो गया है, एक्यूट डायरिया वोमिटिंग हो रही है, तो आपके पास में डायोस्कोरिया मदर टिंचर है या 30 पावर में है। अगर मदर टिंचर है तो आप जो है 10-10 मिनट पर, 15 मिनट पर दे सकते हैं। अगर 30 पावर की है तो वो भी आप आधा आधा घंटा पर दे सकते हैं। इनिशियल स्टेज में अगर देंगे तो उनका जो है डायरिया वोमिटिंग बंद हो जाएगा और कागरा होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है फीमेल पर जो है यूटीआई। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, माने किडनी में कोई तकलीफ है, यूरेटर में कोई तकलीफ है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई तकलीफ है, या यूरेथ्रा में कोई तकलीफ है, बहुत अच्छी इसकी दवाई है। आप जो है अगर मदर टिंचर में तो 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में लीजिए, और अगर 30 पावर में है तो 4-4 बूंद 3 बार करके लीजिए, आपका यूटीआई प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, यह जो है फर्टिलिटी इश्यू पर बहुत अच्छा काम करती है। जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है फीमेल पेशेंट की, तो उसमें उनको बच्चा नहीं होता है, तो यह फर्टिलिटी इश्यू के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो ऐसे फीमेल पेशेंट को डायोस्कोरिया 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेने से वो कंसीव कर लेंगी, उनको बच्चा हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि यह दवाई जो है अगर आपका या किसी का भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, हार्मोन का जो है कोई बढ़ गया है, कोई ज़्यादा हो गया, माने जिसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये दवाई जो है हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करती है। डायोस्कोरिया 4-4 बूंद करके पानी के साथ में 2 बार लगातार कुछ दिन लेने से उनका जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, वो हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम फीमेल पर है, किसी फीमेल पेशेंट का अगर जो पीरियड इरेगुलर है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, और कभी लेट से होता है, कभी स्केंटी होता है, तो ये दवा देने से डायोस्कोरिया मदर टिंचर 10 बूंद 3 बार देने से फीमेल पेशेंट का पीरियड जो है रेगुलर कर देगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, ये जो है फिलोन की बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों, फिलोन जो है अंगुली में होता है कि आपका पूरा अंगुली जो है सूज जाती है, फूल जाती है, उसमें पस हो जाता है, तो आप इनिशियल स्टेज में डायोस्कोरिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 3-3 घंटा पर लीजिए, और डायोस्कोरिया को गर्म पानी में डालकर हमेशा अंगुली को गर्म पानी में रखे रहिए, तो जो है आपका फिलोन जो है गल का जो है ठीक हो जाएगा। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये आदत पड़ जाती है कि उनको बार बार गल का होता है, बार बार फिलोन होता है, तो ऐसे पेशेंट को डायोस्कोरिया 200 हफ्ता में एक बार 3-4 हफ्ता लेने से उनको गलका यानी फिलोन जिंदगी में फिर कभी नहीं होगा। दोस्तों, किसी किसी पेशेंट में जो है स्पेस्मोडिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जो है स्ट्रक्चर हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है कोई भी कारण हो, तो ऐसे फीमेल पेशेंट को डायोस्कोरिया 30 पावर की 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना देने से उनका जो यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर है वो जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको डायोस्कोरिया Part 1 के बारे में कुछ बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में डायोस्कोरिया Part 2 के बारे में। नमस्कार।